पन्ना नगर पालिका में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की जड़ें नींव तक पहुंच गई हैं। इसकी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ताजा मामले वार्ड नंबर 11 का है, जहां रहने वाले एक पात्र हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वजह यह है कि उसने सीएम हेल्पलाइन में इस मामले की शिकायत की थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने भी जांच की बात कही है। ये हमने आवास के लिए फॉर्म डाला था नगर पालिका में आज से 2.5-3 साल पहले, और हमारा अभी तक पैसा नहीं आया है। और हमने बहुत चक्कर लगाए नगर पालिका के, तो बस यही कहते हैं जे लोग के 15 दिन में डाल देंगे, कहीं एक महीने में डाल देंगे, अभी जे है वो है। 121 शिकायत होने के बाद कोई हमारे यहाँ नहीं आया। फिर हमने जन सुनवाई में 3 बार दे चुकी तो भी हमारे यहाँ कोई नहीं आया। और अब 25 जून को जब बुलवाया हमको, तो पहले कहते हैं कि आप शिकायत कटवाओ और शिकायत कटने के बाद ही पैसा डालेंगे, और आपको 10,000 रुपये 3 जन को देना पड़ेगा। कौन पैसे मांग रहा आप? देखिए, वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उनका डायरेक्ट मेरे पास में कोई आवेदन तो नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी हम CMO नगर पालिका जो हैं पन्ना के, उनसे इसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे, और यदि उनको पात्रता होगी तो तत्काल उनको उसका लाभ प्राप्त होगा। उस पात्रता की शर्तों में आने वाले व्यक्तियों को जरूर वो मिलना चाहिए, उसका जो लाभ है वो। तो ये देखने वाला मुद्दा है कि कौन व्यक्ति इसमें आवेदन दे रहा है या किसका इशू है, वो निर्धारण करके उनके पात्रता का मूल्यांकन करके ही दिया जाएगा। लेकिन किसी पात्र व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी।